हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रिया भार्गव टूडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट फोर ह्यूमेनिस्टिक एंड सेल्फ थ्योरी मैस्लो एंड रॉजर्स दिस यूनिट फोर इज फ्रॉम ब्लॉक टू एम पी सी जीरो जीरो थ्री पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट इस uh, यूनिट के हम थ्री वीडियोज में कवर करने वाले हैं इस यूनिट को सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस यूनिट इस, इस चैप्टर में हम ह्यूमेनिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं ह्यूमेनिस्टिक अप्रोच में ये जो थ्योरीज हैं ये बेसिकली पूरे ह्यूमन एक एज अ पर्सन उस पर फोकस करने वाली है और ये एम्फेसाइज करती है एम्फेसाइज मतलब कि जोर देती है किसी भी इंसान की इनहेरेंटली गुड क्वालिटीज़ जो वो पैदाइशी लेके आए अपने साथ उन क्वालिटीज़ पे ये ध्यान देती है और उसकी उस वो किस तरह से एक एक यूनिक पर्सन है उस पे ये थ्योरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है दैट इज़ वाई दीज थ्योरीज आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमैनिस्टिक ऑर्गेनिज्मिक एंड पर्सन सेंटर्ड थ्योरीज इस तरह से भी जानी जाती है नाउ कमिंग टू ह्यूमेनिस्टिक एंड सेल्फ थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी इसमें इन्होंने एक पूरा ओवरऑल जो हम मैस्लो एंड रॉजर्स के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो उसका ओवरऑल जो समरी है वो इस सेक्शन में इन्होंने कवर करी है कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ये आ, साइको डायनामिक्स जो थ्योरीज हमने पढ़ी हुई है आ, उसको एडिकुएट नहीं मानते हैं किसी भी ह्यूमन बींग के इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए तो साइकोडाइनमिक में जैसे कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं पास्ट में क्या हुआ था उनकी लाइफ में उसके उस पर जोर देते हैं वही उनका रूट कॉज माना जाता है तो इस तो ये थ्योरीज उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है उस पर भी ध्यान नहीं देती हेल्दी uh, ग्रोथ का नेचर uh, कैसा होना चाहिए उसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती तो ये जो जितने भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को डिफर करते हैं बाकी की थ्योरीज से बाकी की अप्रोचेस से तो ये जो डिफरेंट है डिफरेंस हम देखते हैं इन थेयोरी, इस थ्योरी में वो ये है कि जैसे कि बाकी थ्योरीज में सब्जेक्टिव व्यू देखा गया है और जो डिटर्मिनिजम है उसको रिजेक्ट किया गया है सो पॉजिटिव ग्रोथ किसी में होना कितना ज़रूरी है सो so दैट उसकी जो पैथोलॉजी है उस पर काम कर सके पैथोलॉजी मतलब जो उसके अंदर डिसऑर्डर्स है उस पर काम कर सके वो बहुत ज़रूरी है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में uh, जैसे कि हम अगर देखें कि साइकोडायनामिक थ्योरीज जो थी वो हमें ये विजन देती थी कि हेल्दी ग्रोथ बहुत ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की जंग की जो इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलाइजेशन की जो थ्योरी है वो भी यही चीज़ बताती है दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को बाकी थ्योरीज से साइकोलॉजी के अंदर वो यही है कि ये पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है सो so, ज्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि जो बिहेवियर है वो ऑब्जेक्टिवली ही समझा जा सकता है एक इम्पार्शियल ऑब्जर्वर यानी कि सब्जेक्टिव होता है जब एक इंसान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखता है एंड ऑब्जेक्टिव होता है ओवरऑल रैशनली किसी चीज़ को देखना तो uh, ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिवली लोगों को देखते हैं लोगों की परेशानियों को लोगों के बिहेवियर को नोटिस uh, करते हैं जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो ऐसा नहीं करती वो इंडिविजुअल्स को सब्जेक्टिव वे में देखती है क्योंकि उससे हम हर एक क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है तो उसका बिहेवियर भी यूनिक होगा सो uh, so उसको समझना तभी ज़्यादा आसान होगा जब हम उसको एज अ सब्जेक्टिव परस्पेक्टिव से देखें तो ये जो रॉजर्स हैं ये ह्यूमेनिस्ट्स कैटेगरी में आते हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि बिहेवियर है कि किसी भी पर्सन का वो एक पर्सनल एट्रीब्यूट है उस इंसान का हर एक इंसान एक जैसा बिहेव तो नहीं करता सबका बिहेवियर अलग होता है तो इसको सब्जेक्टिवली देखना चाहिए रादर ऑब्जेक्टिवली और अनसाइंटिफिक वे में नहीं देखा जा सकता इसको साइंटिफिक वे में हमें देखना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल्स जो हैं उन, उनकी जो साइंस है इसके पीछे वो हमेशा ही रहती है और हम साइंस को ही कंसीडर करते हुए इनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं जो मेन एम है ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच का हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ही कर रहे हैं अभी जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसका मेन एम होता है कि कंसेप्ट और मैथड्स हमें ढूंढने होंगे ये वाली थ्योरीज ये वाली अप्रोचेस हमें कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स सिखाती हैं लर्निंग के लिए ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए किसी भी इंडिविजुअल के या फिर किसी सोसाइटी के तो सोसाइटी और इंडिविजुअल कैसे ग्रो होगा उसकी क्या मेथड्स हमें यूज करने पड़ेंगे क्या कॉन्सेप्ट्स हमें यूज करने पड़ेंगे ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए और लर्निंग के लिए वो हम देखते हैं इसमें उससे वो जो इंसान और सोसाइटी है उनकी वेलबींग well बढ़ती है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है तो मैस्लो ने एक टर्म क्वाइन किया था थर्ड फोर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को समझाने के लिए कि वो कहना चाहते थे कि कैसे साइकोडायनामिक एंड बिहेवियरिस्ट अप्रोच अलग है इससे सो थर्ड फोर्स जो है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी से बिल्कुल अलग है जो इन्फ्लुएंस करती है फ्रियूडियन साइको एनालिसिस को क्लिनिकल साइकोलॉजी ज़्यादातर फ्रीडियन साइको एनालिसिस पे ही बेस्ड होती है बट थर्ड फोर्स जो है जो स्टडी करती है, बहुत सारे निगेटिव साइड जो ह्यूमन बींग का है वो नहीं देखती उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट देखती है जबकि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है या फ्रीडियन साइको एनालिसिस है वो मेंटल इलनेस की स्टडी करती है निगेटिव साइड्स देखती है ह्यूमन बिहेवियर के और uh, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये सब इसमें आता है ट्रेडिशनल एकेडमिक और बिहेवियरिज्म ये सारी चीज़ें फ्रीडियन uh, वाले में आता है सो so, जो थर्ड फोर्स है वो कोशिश करती है ह्यूमन बिहेवियर को रिड्यूस करने में सो सो दैट हम स्टैटिस्टिकल uh, कोरिलेशन निकाल पाए डिफरेंट स्ट्यूमली एंड रिस्पॉन्स के बीच में और पर्सनैलिटी ट्रेड के बीच में सो so, हम सिंपली uh, कोई बिहेवियर को क्योर नहीं करते या डिसफंक्शन को क्योर नहीं करते ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पर्सन को हेल्प करते हैं बेटर वे में डेवलप होने में अपने कंपीटेंस uh, को और ज़्यादा बढ़ाने में अवेयरनेस को बढ़ाने में और ज़्यादा खुश रहने में हेल्प करते हैं और अपने ऑप्टीमल मेंटल स्टेट को पहुँचने में हेल्प करते हैं जो सेंट्रल थीम होती है ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज की वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बेस्ड होती है सो so दैट्स जब कोई भी पर्सन सेल्फ एक्चुलाइज करेगा तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पर पहुंच सकता है और ये जो बाकी जो थीम्स हैं उसमें और क्या क्या चीजें आती हैं पर्सनल ग्रोथ ओपननेस टू एक्सपीरियंस लिविंग इन द प्रेजेंट पर्सनल रेस्पांसिबिलिटी इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पर्सन ये वाली चीजें आती हैं तो ह्यूमेनिस्ट जो ह्यूमनिस्ट uh, जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं और रियलिटी को परसीव करते हैं अब्राहम नेसलो जो हैं उन्होंने प्रपोज किया था मॉडल जिसमें उन्होंने ये बताया था uh, कैसे हैप्पी हेल्दी वेल फंक्शनिंग पर्सन बिहेव करता है और uh, उन, uh, जो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन्स है रियल पीपल के जो रियल रियल में लोग हेल्दी हैप्पी और वेल well फंक्शनिंग है उनके ऊपर स्टडी उन्होंने रियली really की है ऑब्जर्वेशंस किए हैं अपने डाटा कलेक्ट किए हैं और उसके बेसिस पे उन्होंने फॉर्मुलेट किए हैं कि आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है हैप्पी हेल्दी एंड वेल फंक्शनिंग पर्सन की मैस्लो ने प्रपोज किया था सिंपल एंड इंट्यूटिव अपीलिंग थ्योरी मोटिवेशन की जो एक्सप्लेन करता है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सनालिटी कैसी कैसी होती है कहाँ से आती है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सनालिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और मैस्लो uh, अगेंस्ट है उनमें जैसे रिडक्शनिज्म के उसके अगेंस्ट है यानी कि साइकोलॉजिकल मॉडलिंग के अगेंस्ट है साइकोलॉजिकल uh, मॉडलिंग में जो हम रिड्यूस कर देते हैं इंसान की कई चीजें उसके अगेंस्ट है मैं स्लो अब उन्होंने प्रपोज किया था होलिस्टिक अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच एज अ होल होलिस्टिक का मतलब होता है एज अ होल किसी की पर्सनैलिटी पे रिसर्च uh, के लिए जो पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है ये टर्म मार्टिन सेलिगमन ने दिया था पॉजिटिव साइकोलॉजी का टर्म एंड इन्होंने कब दिया था ये 2000 में दिया था जब ये प्रेसिडेंट थे एपीए के अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने ये टर्म पॉजिटिव साइकोलॉजी दिया था जैसे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में फोकस करते हैं हम कि ह्यूमन की पोटेंशियल को बढ़ाना है वैसे ही पॉजिटिव साइकोलॉजी भी एम्ब्रेस करता है और ये रिसर्च मेथड्स पे बेस्ड है सर्वेस ग्रुप डाटा इन सब पे बेस्ड है और जहां पे ट्रेडिशनल चीजें अवॉइड की गई हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी अवॉइड की गई है एक और टर्म है कोचिंग साइकोलॉजी कोचिंग साइकोलॉजी ये जो ये टर्म ओरिजिनेट हुआ है पर्सनल कोचिंग से जो स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो अपना पर्सनल कोच रखता है जहाँ पे जो कोच होता है वो उसकी पोटेंशियल्स को देख के उसकी उसकी उसके एप्टीट्यूड को देखते हुए उसकी पोटेंशियल बढ़ाता है सो so, ये धीरे धीरे वो जो पर्सन है क्योंकि पर्सनल कोचिंग ले रहा है तो उसी की प्रॉपर्टीज पे काम हो रहा है उसी के एट्रीब्यूट्स पे काम हो रहा है तो वो एक परफेक्ट पर्सन बन जाता है अपने पोटेंशियल्स पे पहुंच पाता है तो सेम इज़ विद कोचिंग साइकोलॉजी कोचिंग साइकोलॉजी में भी ऐसी होता है जहां हम माइंड से इंसान को उसके परफेक्ट लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स दिस वाज फर्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस यूनिट फो आई विल कम सून विद रेस्ट ऑफ द टू वीडियोज फ्रॉम दिस यूनिट आई होप माई वीडियोज आर यूजफुल टू यू एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर माई वीडियोज विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दट एवरीबडी गेट्स हेल्प आउट ऑफ इट थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय